2019 का नुकसान और 2024 की चुनौती देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब आक्रामक अंदाज में चुनावी ऑपरेशन में जुट गए हैं। ताबड़तोड़ शिकायतें और गड़बड़ियों को लेकर जौनपुर का समाजवादी संगठन भंग करने के बाद बरेली का पूरा समाजवादी कुनबा लखनऊ बुला लिया है। वर्तमान पूर्व भूतपूर्व और अभूतपूर्व सबसे कल गुरुवार 6 जुलाई को सुबह 10 बजे लखनऊ सपा मुख्यालय पहुँचने को कहा गया है। हाईकमान की इमरजेंसी कॉल के बाद कल लखनऊ में क्या होने जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। अपनी अपनी तरह से इसे लेकर हर तरफ कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। समाजवादी सूत्रों का कहना है कि बरेली से बड़ी संख्या में जिम्मेदार समाजवादी लखनऊ बुलाए गए हैं। इनमें नए पुराने जिला और महानगर अध्यक्ष व महासचिवों के अलावा सभी मौजूदा विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, लोकसभा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, जोन प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और सेक्टर प्रभारी शामिल हैं। इन सभी समाजवादियों का जोड़ घटाएं तो संख्या 150 से अधिक पहुंचती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव बरेली के समाजवादियों की कल बंद हाल में लंबी क्लास लेने वाले हैं। समाजवादी कैंप में हो रही चर्चाओं पर गौर करें तो इस तरह अचानक लखनऊ कॉल का एजेंडा लोकसभा चुनाव हो सकता है और बैठक के दौरान जिले के सांगठनिक मसलों को लेकर भी विमर्श किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि निकाय चुनाव में बरेली के अंदर समाजवादी कैंप में कैसे कैसे तूफान उठे थे। इसकी हर रिपोर्ट हाईकमान के पास मौजूद है। मेयर चुनाव में सपा का अधिकृत प्रत्याशी मैदान से हटाने और निर्दलीय डॉक्टर आईएस तोमर को समर्थन देने के बाद भी जिस तरह बरेली के दंगल में हार का सामना करना पड़ा इसे लेकर हाईकमान खासा असहज है। सूत्र बताते हैं कि प्रमुख समाजवादी नेताओं और संगठन के बेपटरी रिलेशन की जानकारी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास लगातार पहुंच रही है। इलेक्शन जैसे क्रूशल टाइम में भी कभी एम टॉनिक वाले ऑडियो तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल गुप्त नजारे बरेली में किस तरह पार्टी की किरकिरी कराते रहे हैं यह सच भी किसी से नहीं छिपा है। साथ ही ऐसे पुलिंदे एक हाथ से दूसरे हाथ लखनऊ तक भी खूब दौड़ाए जाते रहे हैं। धड़ेबंदी और आपसी फूट आगे लोकसभा चुनाव में बरेली के अंदर समाजवादी कहानी को किस मोड़ पर ले जाएगी इसे लेकर सपा हाईकमान की चिंता स्वाभाविक है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से बरेली जिला लोकसभा की राजनीति को लेकर हमेशा चिंता का कारण रहा है। बरेली लोकसभा सीट पर सपा तमाम तरह के प्रयोग करने के बाद भी कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकी है। आंवला में सपा से कुंवर सर्वराज सिंह जीत दर्ज करते थे तो अब वह बात भी बहुत पुरानी हो चुकी है और पूर्व सांसद कुंवर सर्वराज सिंह का परिवार अब भाजपा में सक्रिय दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां बरेली आंवला से भाजपा के मौजूदा सांसद संतोष गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप पार्टी नहीं बल्कि निजी स्तर से भी चुनावी तैयारियों में अभी से पूरा दम लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में सिवाय कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा इस तरह की चर्चाओं के अलावा जमीनी स्तर पर भाजपा जैसा चुनावी होमवर्क दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि 2024 का दंगल जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे समाजवादी रणनीतिकारों की चिंताएं बढ़ रही हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल लखनऊ में बुलाई गई बरेली के समाजवादियों की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी निर्देश देंगे और जिले में पार्टी के अंदर जोश भरने का काम करेंगे। समय समय पर बरेली के नेता अखिलेश से व्यक्तिगत मुलाकातें कर अपने राय मशविरे पहले से देते रहे हैं। इसमें संगठन की चिंताएं भी शामिल हैं जिसके साथ जिले के कई प्रमुख नेताओं की पटरी नहीं खा रही है और यह जानकारी लगातार सपा मुखिया तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल सबकी नजरें कल लखनऊ में लगने वाली बरेली के समाजवादियों की क्लास पर टिकी हैं।